मैं प्रमोद रघुवंशी, पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का दिल से स्वागत करता हूं कि आज आप सभी लोग एक जगह पे हमारे बुलावे पे हाजिर हुए। इसके लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने इसलिए आप लोग के लिए बुलाया है कि बरेली में एक हम ये एक पिछले 40 सालों से नजमी प्रमोद एक साथ संगीत की दुनिया में मिल के कार्य कर रहे हैं और लगातार बरेली से हम लोग जो है एक म्यूजिक एल्बम निकालते हैं जो प्राइवेट, जो कि बरेली से ही उसको लिखा जाता है, यही उसको संगीत दिया जाता है, यही के सिंगर होते हैं। तो बरेली को हम संगीत में वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ कभी हमारे सरसार साहब ने सोचा था। सरसार साहब आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी लिखी हुई हमारे बीच में आज 6 किताबें हैं। इससे पहले एकता के चराग किताब हमारा भव्य विमोचन हुआ था, चरागे दिल तक, प्यार हुआ आज से दिल तक, ये सारी हमारी किताबें आई हुई हैं। आज हम एक गाना लॉन्च करते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, क्योंकि अमृत महोत्सव चल रहा है, देश में बहुत धूम है देशभक्ति का, इस समय हर बंदे के अंदर एक लहर आई हुई है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने गाना लिया है, क्या तुझको लिखे हैं प्यारे वतन। इसमें जो है संगीत जो है नजमी प्रमोद ने दिया है, जिसके लेखक हैं सरसार बरेलवी हैं, और इसको आवाज़ जो दी है अशरफ कदीर साहब ने दी है, और इसमें जो सूट किया है, इसमें जो कलाकार हैं वो हमारे साथ बैठे हुए भाईजान मुख्तार अहमद जी। तो ये सारी चीज़ें हमारे बरेली से हैं और बरेली एक वैसे एक गंगा जमुनी तहजीब कहलाती है, उसी हमने आगे बढ़ाते हुए नाथों की नगरी में एक संगीत का कार्य जो आगे बढ़ाते हुए एक गाना जो हम लोग बरेली से निकाल रहे हैं, क्या तुझको लिखे ए प्यारे वतन ए फकरी जमी ए नष्ट कदम। इसी तरह के हमारे पास एक देशभक्ति गीतों की एक बहुत बड़ी एल्बम है, जो कि इससे पहले हम 8 गीत जो है अपनी एल्बम में उतार चुके हैं। तो ये हमारा 8वां गीत है जो इसके साथ एक कलाकारी के साथ इसको निकाल रहे हैं हम लोग। बाकी एक्टिंग भाईजान ने की, ये रिलीज हमारा गाना हम कल इसको करते हैं। कितनी लोगों की टीम है ये हमारे करीब, इसमें टीम है करीब 13 से 14 लोग की टीम है जो साथ में कलाकारी कर रहे हैं। ये कम से कम हमारे लिए 35 दिन लगे थे इस गाने में रिलीज करने में, क्योंकि यहाँ कुछ काम लखनऊ हुआ, कुछ काम दिल्ली हुआ, कुछ काम बरेली हुआ। सरसार साहब एक बरेली के बहुत अच्छे शायर हैं, उनकी एक ख्वाहिश थी कि हमारे गाने जो है यहाँ से लेके बॉम्बे तक ऑल इंडिया तक बजे, तो रामपुर रेडियो से हमने जो है बहुत सारे गाने उनके रिलीज किए हैं, ऑल इंडिया रेडियो से, बरेली से बहुत सारे प्रोग्राम उनके हमने आगे किए हैं। उसी को देखते हुए अब जो है मीडिया का ज़माना है तो यूट्यूब पे हम ज़्यादा इस समय फोकस कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे हमारा ये करीब 30वां 4वां गाना है जो हम इसको रिलीज कर रहे हैं।